हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कल से एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला था जो पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पेंडेमिक कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि सभी स्कूल्स के हॉलीडेज़ को 15 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने 15 जून तक सभी स्कूल्स के हॉलीडेज़ को एक्सटेंड करते हुए प्रोसीडिंग भी रिलीज़ किया है। जैसे हम जानते हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट ने सभी डाइट कॉलेज यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन करते हैं उनके कॉलेजेस को भी जो हॉलीडेज़ है 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। और दूसरी तरफ गांव के जो विलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंतज़ाम करने के कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और इसी तरह हमको भी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे, 15 से लाइव क्लासेस तो नहीं होंगे। देखते हैं कि 15 के बाद क्या हम डिसीजन लिया जाएगा, कब से एकेडमिक ईयर शुरू किया जाएगा 2021 और 22 के लिए। ये प्रोसीडिंग है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जियो के साथ हमको दिया गया है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह हम वेट करेंगे 15 के बाद क्या होगा, क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे घर में, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा थोड़ा टचिंग में रहिए क्योंकि कोरोना की तरफ से सब चीज़ शेड्यूल ख़राब हो चुका है, टाइम टेबल ख़राब हो चुका है। कई स्टूडेंट्स भूल रहे हैं, जो छोटे स्टूडेंट हैं वो लोग अपनी स्टडी पूरी तरह भूल रहे हैं। इसलिए कभी जब भी वक्त मिलता है अपने स्टडी को एक बार रिहर्सल कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।